जय हिंद दोस्तों। हमारे जो डेली के हम 10 क्वेश्चन करते हैं स्टैटिक जीके के, ये वो वाले क्वेश्चन है और ये हमारी 7th क्लास है। एंड उसके बाद आप सभी एक बार मुझे एक कमेंट करके ये बात बता दीजिए कि जो हम मैथ करवा रहे हैं वो मैथ जो है हम बेसिक से ही अपना जो है वो कंटिन्यू रखें, या फिर जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनसे हम स्टार्ट करें, यानी कि जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो वाले करवाएं, और उन्हीं के तरीके से कैसे आगे क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ वो टाइप ही करवाएं, या फिर बेसिक हमारे जो बेसिक हैं उनसे लेकर एडवांस लेवल तक करवाएं। कैसे करवाना है आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे एक बात पे वही हम जो है रखने वाले हैं वीडियो में। सो गाइज, हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि जो भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में जो अल्पाइन प्लांट प्रजाति है वो पाई गई है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। जो अल्पाइन प्लांट की एक नई प्रजाति है अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है और यह तवांग जिले में पाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रेमेंथोडियम इंडिकम के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह हिमालय सूरजमुखी की एक प्रजाति है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्रेमेंथोडियम इंडिकम है वो किसकी प्रजाति है, तो वो हिमालय सूरजमुखी की एक प्रजाति है। जो प्रजातियां IUCN दिशा निर्देशों के अनुसार गंभीर रूप से खतरे में हैं, तो इसमें जो है हमारे दोनों ही आंसर क्या होंगे, राइट होंगे। यानी कि जो हिमालयी सूरजमुखी की एक प्रजाति है, और कुछ आश्चर्य की बात यह है कि IUCN के दिशा निर्देशों के अनुसार जो नई पाए जाने वाली प्रजाति है वो काफी गंभीर रूप से क्या है, खतरे में है। नेक्स्ट है जो अल्पाइन पौधों को कहाँ पाया जा सकता है, ये जो हमारे अल्पाइन के पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो अल्पाइन पौधे हैं वे जो एक उच्च ऊंचाई पर या बहुत ज्यादा मात्रा में जो ऊंचाई होती है वहां पर, और जो पेड़ की रेखा होती है उससे ऊपर बढ़ते हैं और उन्हें अल्पाइन टुंड्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है NFT क्या है? NFT नॉन फंजिबल टोकन्स, यानी NFT या नॉन फंजिबल टोकन्स एक प्रकार की संपत्ति असेस्ट में से एक है, और इन दिनों व्यापक रूप से ये क्या है, ज्यादा खबरों में सुनने को या दिखाई दे रही है। तो देखिए, NFT के बारे में अगर हम सही कथन के बारे में बात करें तो यह क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी की एक क्लास है जिसका कोई मानक मूल्य नहीं है। सेकंड है, जो NFT है एक तरह की डिजिटल फाइल है जिसकी विशिष्ट पहचान और स्वामित्व यानी ब्लॉकचेन पर सत्यापित है। जो NFT है, ये दोनों ही इसमें राइट आंसर हैं। जो NFT है वो क्रिप्टो करेंसी की एक क्लास है जिसका कोई मानक मूल्य नहीं है। इसे एक डिजिटल फाइल के रूप में समझा जा सकता है जिसकी विशिष्ट पहचान और स्वामित्व ब्लॉकचेन पर सत्यापित है। नेक्स्ट है, 2014 में पृथ्वी पर स्पेस हरिकेन की हलचल कहाँ देखी गई थी? तो ये उत्तरी ध्रुव पर, यानी वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अज्ञात घटना देखी है और कुछ ऐसा जो कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में उनके लिए बिल्कुल नया था, और यह एक स्पेस हरिकेन था जिसे अगस्त 2014 से प्राप्त सैटेलाइट डेटा को जो पेंसिंग करके देखा गया था। नेक्स्ट है, जो स्पेस हरिकेन पर वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर कौन सा कथन राइट है? तो देखिए, ये लगभग 8 घंटे तक प्लाज्मा रोलिंग का 620 मील चौड़ा घूमता हुआ द्रव्यमान था, तो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जो अगर इसकी व्याख्या की हम बात करें तो जो स्पेस हरिकेन है वो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में लगभग 8 घंटे के लिए, जो प्लाज्मा रोलिंग है उसका लगभग 620 मील चौड़ा घूमता हुआ एक द्रव्यमान था। नेक्स्ट है, स्पेस हरिकेन और स्थलीय हरिकेन के बीच क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो स्थलीय हरिकेन है वो पानी की बारिश करता है, लेकिन जो स्पेस हरिकेन है वो इलेक्ट्रॉनों की बारिश करता है, तो ये इसमें क्या है, बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, जो स्पेस हरिकेन है वो किसी अन्य अंतरिक्ष मौसम की घटना के समान है, और ये सौर हवा के माध्यम से सूर्य से निकलने वाले जो प्लाज्मा की धाराओं के कारण होता है। जो घटना पृथ्वी पर तूफान के समय समान थी, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉनों की बारिश हुई। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में संबंधों को बढ़ाने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक संयुक्त आयोग की स्थापना की है? तो वो है कुवैत, यानी भारत और कुवैत ने मित्रता के संबंधों को बढ़ाने और गहरा करने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड स्लीप डे 2021 कब मनाया जा रहा है?
तो ये 19 मार्च को, यानी प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे शुक्रवार को स्प्रिंग वर्नल इक्विनोक्स से पहले मनाया जाता है और इस साल यह 19 मार्च को मनाया जा रहा है। सो गाइज, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें मैथ बेसिक से एडवांस करवाना है या फिर जो भी हमारे आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वही करवाने हैं और उन्हीं से रिलेटेड अदर क्वेश्चन करवाने हैं, किस टाइप से। देखिए, हमें ये नहीं, ऐसे नहीं कि हमें मैथ में कोई महारथी बनना है, हमें तो अपना एग्जाम क्लियर करना है और उसके अकॉर्डिंग ही जो हमें जो लग रहा है सही कि ये आ सकता है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो आप सोच के जो है कमेंट करके बताना, फिर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे जिस बात पे मैं वही जो है वीडियो में रखने वाली हूँ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।